नमस्कार, मैं हिमांशु मित्तल हूँ कोटा से, और आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम कोटा के आम लोगों की आवाज़ बनते हैं, कोटा की आम लोगों की समस्या को उठाते हैं। बीते कई दिनों से कोटा नगर निगम के बाहर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के। शहर में दरअसल नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला, लेकिन जो गाज गिरी वो इस तबके पर गिरी जो कि फुटपाथ पर, फुटपाथ के किनारे, सड़क के किनारे खड़ा रह करके जो अपनी आजीविका है उसे चलाते हैं, अपने पेट को भरते हैं। पक्के अतिक्रमणों को हटाने के बजाय इस कमजोर तबके को नगर निगम ने अपना निशाना बनाया। अब ऐसे में लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इतने दिन हो गए लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, कोई हल निकला? सर, कोई समाधान नहीं निकला। अधिकारी कहते हैं आदेश प्राप्त नहीं है, जबकि आदेश तो उनको गत 2019 में 25/2/2019 को प्राप्त हो गया था। जब राजस्थान निकायों के आप आदेशों की पालना नहीं करते, कौन से आदेशों का इंतजार कर रहे हो? ये लोग हमारे रोजगार के प्रति लापरवाह हैं। इन्होंने जो हमारा एक्ट लागू हुआ था उस एक्ट के अनुसार इन्होंने हमारा सर्वे करा पूर्णतः, और ना हमारे लिए अभी तक वेंडर जोन बनाए, जबकि ये कोटा संभाग का दुर्भाग्य है, संपूर्ण राज्यों में वेंडर जोन बन रहे, तो कोटा में क्यों नहीं? जी क्या कहेंगे सर? हमें गत 12 दिन हो चुके हैं आज, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग यही चाहते हैं कि वेंडिंग जोन बना के दे दें, सबका सर्वे कर दें और इनका लाइसेंस जारी कर दें, और टाउन वेंडिंग कमेटी का पुनः गठन कर दें, यही मांग लेके हम बैठे हुए हैं। लेकिन क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं भाई, 2014 में जो संसद में कानून पास हुआ था फुटकर व्यवसायियों के लिए, वो दिल्ली देश में मात्र एक ऐसी सरकार, दिल्ली सरकार, जिन्होंने लागू किया। हम यही मांग लेकर आज यहाँ धरने में इनके समर्थन में आए कि केजरीवाल सरकार ने जैसे रेडी पटरी वालों के लिए कानून बनाया, इनको सर्वे करके लाइसेंस दे, और कोटा में जो बड़े बड़े अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटाया जाए, उनको जगह दें जो अपने बच्चों का पालन पोषण। बड़े अतिक्रमणों को हटाया जाए, उन पर फोकस किया जाए। आप ये बताइए कि अब इतने दिन से आप बैठे हैं, हल क्यों नहीं निकल रहा आपकी बात का? सर, 12 दिनों से हम बैठे हुए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भूखा भूखा देख के हम देख नहीं सकते। सर, ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई सुनी नहीं रहे हैं, अभी तक 12 दिन हो चुके हैं, कोई सुनने को कोई तैयार ही नहीं, कोई अधिकारी हमारे पास आके कोई वार्तालाप ही नहीं करता है। तीन दिन से भूखे बैठे, अब वो करतार पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई चेक करने नहीं आ रहा, बीपी बढ़ रहे और लो हो रही है। चलिए, अब आगे की क्या रणनीति, क्योंकि 12 दिन हो चुके, कामकाज बंद करके आप लोग बैठे हैं, नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा, अब आगे की क्या रणनीति है? सर, अगर नगर निगम ऐसे उदासीनता रहा तो आज अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, कल हो सकता है हम हमारे प्राणों की आहुति भी दें। देखिए, बिल्कुल वैसे भी इनके सामने कोई बहुत बड़े विकल्प नहीं है, स्पष्ट तौर पर यही कर दिया कि भाई 12 दिन से अपना कामकाज रोजगार छोड़ करके बैठे हैं। ये वो तबका है जो रोज कमाता है, अपने परिवार का लालन पालन करता है, लेकिन इसके सामने फिलहाल बड़ी चुनौती है कि ना वेंडर जोन है, ना नगर निगम की तरफ से कोई ऐसे इंतजाम जिस सिस्टम के तहत ये अपना जो रोजगार है वो चला सके। लेकिन गाज पूरी तरह से इस तबके पर गिरी हुई है, विकल्प नगर निगम को निकालना होगा, लेकिन 12 दिन के बाद नगर निगम फिलहाल किसी भी तरह से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, और ऐसे में कोटा के इस बड़े तबके को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में, चौपाल में, हमने इस तबके की आवाज़ को रखा। कल फिर मुलाकात होगी किसी और तबके के साथ, किसी और इलाके से, किसी और समस्या के साथ। नमस्कार।